अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको बताया था कल अम्मा आ गई थी और कल हम बहुत थके हुए थे, उनसे मिले, बातें की, खाना नाश्ता किया और फिर हम सब सो गए। और उसके बाद जो है आज मैं जा रही हूँ दांतों की स्केलिंग करवाने जिना हॉस्पिटल। अभी देखो क्या होता है, आज मेरे दांत हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने सुना है बहुत हैसल होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत मुश्किल से नंबर मिलता है। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो अब देखते हैं आज के मेरे साथ क्या होता है। जो है ना बैड लक चल रहा है, कोई भी काम मेरा टाइम पर नहीं होता है, मुझे मतलब टाइमिंग आगे की मिल जाती है, तो देखते हैं आज मेरा काम जो है आज ही होता है या मुझे आगे की अपॉइंटमेंट मिलती है या क्या। तो आपसे मिलते हैं जिना हॉस्पिटल में। अब जिना मैं पहुंच गई हूं और हम बिल्डिंग में जा रहे हैं जहां पे ये दांतों की सारी स्केलिंग वगैरह होती है। चेकअप हो गया, चेकअप क्या बस मेरी स्लिप बन गई है। अब जो है मुझे रूम नंबर 4 में जाना है जहाँ पर डॉक्टर मेरी जो है मुआयना करेंगे, लाइक पूरा वो देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि वो मेरी स्केलिंग आज करेंगे या नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इतनी इज्जत दी जाती है कि बिठाया भी नहीं जाता, बस खड़े खड़े उन्होंने मेरा सारा पूछा और अब रूम नंबर 4 में भेजा है। डॉक्टर को दिखाऊंगी फिर बताऊंगी कि क्या डॉक्टर कह रही है। ये जिना का हाल है, अब मैं रूम नंबर 4 में जा रही हूँ। दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे देखो शायद डॉक्टर निकाल दें कुछ अपॉइंटमेंट का टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो कि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट है, उसके बाद बहुत देर में स्केड्यूल उन्होंने करा है मेरा टाइम 2 दिन बाद का। तो देखो क्या होता है, यहाँ आए हैं, देखो अल्लाह करते हैं यहाँ कुछ सेटिंग बन जाए। फॉर्म कहाँ से बनेगा? बस मेरा नेम कॉल आउट करेंगे। मेरा नेम कॉल आउट कर दिया है, बस अब मुझे जाना है, मुझे फॉर्म दे दिया है उन्होंने, बस हमें वेट कर रही हूँ, जैसे एक फेस बनेगी तो वो मेरा चेकअप करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि मेरी स्केलिंग आज होगी या नहीं। ये यहाँ का एनवायरनमेंट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इससे पहले कभी डेंटिस्ट को दिखाया है? नहीं। सुबह 9 बजे आना पड़ेगा। आज नहीं हो सकता। नहीं आज नहीं हो सकती। कल सुबह 9 बजे हाथ हाथ काम करवाना चली जाए, सस्ता ये है। कल टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ। जब आना चाहो सुबह 9 बजे आ जाओ, आपका काम सबसे पहले हो जाएगा और आप चले जाओगे, आधे घंटे में फ्री होकर चले भी जाओगे। कोई बहाना काम नहीं है और बोल रहे हैं कि आप जो है कल आएँ, अर्ली मॉर्निंग आपका काम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो लोग नहीं कर रहे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बनाना, काम हुआ नहीं है और मैं खड़ी हूँ कैंटीन पर, थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट लेके घर जाएंगे। आज डे 2 है क्वारी का और देखो इंशाल्लाह ताला अगर आज हमारा काम कर देते हैं मैं होपफुली तो देखो, वरना फिर हमें दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। और आज मेरा डे 2 है और आज
मैं बताऊंगी कि आज मेरा क्या काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सब बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत खुआरी होती है और काम अच्छा नहीं होता है या जो भी है। बहरहाल अभी मैं आज आपसे आपको सब दिखाऊंगी कि मेरा काम कैसा हुआ और कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ, सारा बिफोर आफ्टर आपसे शेयर करूँगी। कल मैं चले गई थी, मेरी अच्छी खासी खुआरी भी हुई, प्लस के कल जो है हम लोग लेट काफ़ी हो गए थे, इस वजह से हमें घर जाना पड़ा। आज हम जल्दी आ गए हैं तो देखो शायद हमारा होपफुली अच्छा जल्दी काम हो जाए, लेकिन स्टिल हम अभी वेटिंग पर हैं। तो यहाँ बड़ी लंबी लाइन है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, अल्लाह करके सब कुछ अच्छा हो होपफुली। बोला तूने एक पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। थैंक यू।